Hey gamers, welcome back to the another Conquer series video. तो आज की बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो भाई इस वीडियो में बेसिकली मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आप हाई प्लस निकाल सकते हो हर एक गेम में। एंड अगर मैं गेम की बात करूँगा ना, तो 28 बंदे अलाइव थे। एंड देखो, ये फोर्थ सर्किल फिफ्थ सर्किल में जा रहा था, ठीक है। तो अपन लोग क्या है, यहाँ पे पहले व्हीकल घुमा रहे होते हैं, क्योंकि अपन को चाहिए था कि जो नेक्स्ट जोन है वो बने, एंड उसके बाद जहाँ पे भी सेंटर वगैरह हो, जहाँ पे भी चांसेस हो जोन बनने के नेक्स्ट जोन, वहाँ पे गाड़ी अपन ठोक पाएँ। तो यहाँ पे क्या है कि जोन बन चुका था, एंड मेरे को एक पोजीशन फेवरेबल पोजीशन लेनी थी जहाँ पे जोन बनने के चांसेस हो। तो यहाँ पे क्या था कि देखो, एज पे एक स्नाइपर टावर है। तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ स्नाइपर के पीछे वाले बिल्डिंग पे, यहाँ पे क्या है कि मैं इस स्नाइपर टावर पे आ जाता हूँ फटाक से। एंड भाई गाड़ियों की बौछार लगी होती है, एक गाड़ी यहाँ से जैसे आपने सुना कि जा रही है, एंड भाई फायर भाई हर जगह से हो रहे हैं। यहाँ पे क्या था कि मैं वेट कर रहा था सामने वाले बंदे का, एंड देखो स्मोक से होता हुआ एक बंदा यहाँ से निकलता है, एंड ये बंदा अभी जा रहा है नेक्स्ट पोजीशन पे। एंड मैं इस पर पूरा का पूरा ट्रेसिंग बनाया हुआ था कि भाई अगर मेरे को पोजीशन मिले तो इसको मारूं, लेकिन भाई बुलेट कम होने के कारण मैं फ्री फायर यहाँ पे नहीं दे रहा था। यहाँ पे देखो ये लैम्बो वाला बंदा देखना भाई क्या ही नशे में था, एंड भाई ये खिड़की विंडो के कारण भाई ये शॉट कनेक्ट नहीं होते हैं। वहाँ देखो भाई ऐसे कौन गाड़ी रुकता है भाई, निंजा भाई ऐसे कौन गाड़ी रुकता है भाई। अगर मान लो कि भाई आपका फ्यूल नहीं या फिर आपको एक पोजीशन चाहिए, तो भाई वैसे जगह पे रुको ना जहाँ पे आपको एटलीस्ट कम से कम कवर मिले। कवर है ही नहीं उस पोजीशन पे, आप रुक रहे हो, आपको पीछे से ही शॉट पड़ रहे हैं, मेरे से ही शॉट पड़ रहे हैं ब्रदर। तो ऐसे नहीं करना है आपको, एक ऐसा पोजीशन ढूंढना है जहाँ पे बंदे नहीं हो, एंड वहाँ पे आप स्टक हो सको कम से कम एक से दो मिनट के लिए नेक्स्ट टाइम के। तो यहाँ पे क्या था, स्नाइपर टावर मेरे लिए बस मोस्ट फेवरेबल पोजीशन था, बट मेरे को मालूम था कि नेक्स्ट जोन शिफ्ट हो चुका है मेरे से, एंड 17 बंदे अभी भी अलाइव हैं। एंड इंसेंस सलीम भाई क्या ही मार रहा था भाई, गजब ही मार रहा था इस बंदे को भाई, हर एक बंदे को भाई इसने भाई भरा था लिटरली, जो ही बंदा इसके सामने आया था। एंड यहाँ पे क्या देखो, जस्ट मेरे को डीपी का शॉट पड़ता है, एंड मैं यहाँ पे आकर जल्दी जल्दी लेटता हूँ, एंड इस घर में आकर के मैं जल्दी से लेटूंगा कि मेरे को शॉट्स ना पड़े। मेरे को कुल मिलाकर के मेरे को मालूम चल गया था भाई ये पोजीशन बहुत ज़्यादा फेवरेबल होने वाली है, एंड देखते हैं ये कितना ज़्यादा यहाँ पे फेवरेबल होगा। यहाँ पे जस्ट मेरे को साउंड आता है, एक बंदा ने मेरे पे स्लैम डाला है, एंड देखो अभी, एंड भाई यही था भाई इंसेंस सलीम भाई, जिसने भाई लिटरली बहुत तो बंदों को भरा था। एंड उस बंदे को भर करके अपन लोग यहाँ पे वेट करते हैं कि भाई नेक्स्ट जोन कहाँ बनेगा। तो यहाँ पे जस्ट कुल मिलाकर के 20 सेकंड के अंदर यहाँ पे जोन श्रिंक होने वाला था, एंड यहाँ पे जैसे ही जोन श्रिंक होता है, यहाँ पे देखो मेरे को जस्ट फेवरेबल लोकेशन एक और ढूंढनी पड़ेगी जहाँ पे अपन लोग जाएंगे। एंड यहाँ देखो 11 मीटर की दूरी पे अगर नेक्स्ट जोन बनता है, एंड अभी भी 8 बंदे बाकी हैं। तो यहाँ पे जस्ट मैं मार करके देखता हूँ कि क्या ये पोजीशन जोन में है। जी नहीं, यहाँ 12 मीटर की दूरी है, तो मतलब 6 मीटर मुझे और आगे जाना पड़ेगा, मतलब रोड के साइड तो जाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे आकर के मैं थोड़ा सा वेट कर रहा होता हूँ कि मेरे को जस्ट साउंड आ जाता है कि पीछे वाले कंपाउंड में, सैक के पीछे वाले कंपाउंड में यहाँ पे कोई बंदा है, एंड जो कि भाई फिड़की ले रहा है भाई। तो यहाँ पे क्या, मैंने नेट पीछे से खींचा, एंड यहाँ पे क्या मैं सोच रहा था कि चलो उसके ऊपर लेके चलता हूँ, लेकिन यहाँ पे क्या था कि पिन का उसको आवाज़ नहीं देना था, इसमें पीछे जाता हूँ पिन खींचने। एंड देखो यहाँ पे एक जस्ट नेट करूंगा, एंड विद द जोन अभी जाना है जोन के अंदर, एंड अभी देखना क्या सीनरी होने वाली है। यहाँ पे क्या था, ये बंदे देखो कैसे पूछ करेगा मेरे पे, देखना अभी। एंड ये इसका शॉट, जंप शॉट, एंड यहाँ पे इसको फिनिश करते हुए भाई अपन लोग आ चुके थे जोन में। एंड अपन लोग को मालूम चल गया था कि भाई जो सामने वाला बंदा है ना, जस्ट सामने वाले बिल्डिंग पे जिसने अपने डीपी का शॉट भरा था, और भाई डीपी का शॉट भरा है भाई तो चिकन डिनर तुम्हारे सामने तो लेकर के जाऊंगा। तो यहाँ पे क्या, ये बंदा नेड वेट करना स्टार्ट करता है, इसको मालूम चल गया कि भाई मैं यहाँ पे हूँ, तो ये प्रॉपरली नेड वेट करना स्टार्ट करता है, लेकिन नेड इसके आगे जाके फट रहे होते हैं, एंड मैं कुछ नहीं करता हूँ। देखो हेल्थ कम है, हेल्थ पहले भरने से पहले यहाँ पे क्या है कि मैं उस पर स्मोक कर देता हूँ, मेरे को उसका विजुअलाइजेशन बंद करना था कैसे भी करके, एंड मैंने उसके देखो विजुअलाइजेशन को बंद किया, एंड जैसे ही स्मोक किया ना भाई वो बंदा कूद करके नीचे आ जाता है, उसको पता चल गया था कि मैं आने वाला हूँ आगे। एंड देखो कुछ नहीं करूँगा, यहाँ पे जितने ज़्यादा नेट थे ना मैंने फेंक दिए, मेरे को मालूम था कि भाई अगर वो बंदा अगर डैमेज होगा ना तो भाई एक दो सेकंड के लिए रुकेगा एंड हेल्थ लगाने की कोशिश करेगा। मैंने उसमें भाई जितने स्मोक थे मैंने स्मोक वॉल बनाया, यहाँ पे देखो कंटिन्यू स्मोक वॉल बना रहा हूँ मैं, एंड यहाँ पे जितने भी स्मोक थे लगभग मैंने बनाया, एंड यहाँ पे प्रॉपरली कंज्यूमर्स लेकर के मैं यहाँ पे रस के लिए जाऊँगा। एंड देखो यहाँ पे क्या सीन होता है, यहाँ पे जस्ट चलते चलते मैंने एक और स्मोक बनाया, चलते चलते मैं एक और यहाँ पे स्मोक बनाया ताकि वो बंदा डाइवर्ट हो, एटलीस्ट डाइवर्ट हो, एंड उसी में एक नेट पटकता हूँ ताकि वो बंदा भाई अगर फटे ना भाई तो मज़ा ही आ जाए भाई। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि भाई बंदे का लक था, एंड देखो स्मोक वॉल भाई कितना ज़्यादा फायदेमंद होता है आपको पता चल रहा होगा। यहाँ पे कम से कम अपन ने भाई यहाँ पे 6 से 7 8 अपन ने स्मोक बनाया, एंड स्मोक वॉल बनने के बाद भाई आपको पता है कि प्रॉपरली भाई आपको
एक आइडिया लग जाता है बंदा कहाँ हो सकता है कहाँ नहीं हो सकता है एंड किस पोजीशन से आपको भागना सुटेबल है एंड किस पोजीशन से भागना आपको सुटेबल नहीं है। तो यहाँ पे जैसे ही आ रहा होता हूँ मेरे को साउंड आ जाता है इस बंदे की एंड देखो भी प्रॉपरली साउंड आपको भी मिल रही होगी एंड ये बंदा ऊपर चला जाता है एंड मेरे को मालूम था कि ये गेम अब जाने वाला है हीलिंग बैटल जोन में एंड हीलिंग बैटल जोन में आपको दिखाना पसंद करूंगा। यहाँ पे क्या था, ये बंदा डायरेक्टली पुश नहीं कर रहा था मेरे पे, मेरे को पता चल गया था कि ये बंदा पुश नहीं करने वाला मेरे पे एंड मैं हल्का सा जोन के अंदर शिफ्ट होने की कोशिश करता हूँ, जाने की कोशिश करता हूँ। मेरे को मालूम था कि जितना ज्यादा मैं जोन के अंदर रहूंगा उतना ज्यादा फेवरेबल कंडीशन होगी यहाँ पे। तो यहाँ पे जोन श्रिंक होना स्टार्ट हो चुका था एंड नील मैंने यूज करा एंड अभी देखो क्या होता है, जोन के बीचों बीच में जाता हूँ एंड वहीं पे जाकर के थोड़ी देर वेट करूंगा। जैसे ही जोन आएगा आपको पता है कंटिन्यूअसली कंज्यूमर्स आपको अप्लाई करने होते हैं। यहाँ पे फर्स्ट कंज्यूमर्स मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ जो कि फर्स्ट रेडी किट है एंड यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाता है। सेकंड फर्स्ट रेडी किट मैं लगाता हूँ एंड ये भी लगभग कंप्लीट हो जाता है। थर्ड जैसे ही लगाने जाता हूँ यहाँ पे हमें मिल जाता है खतरनाक वाला चिकन डिनर एंड गाइज अगर वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कर देना एंड इस गेम के बाद अपन को मिलता है बहुत मेजर 24 का प्लस जो कि ऑसम है गाइज। तो गाइज अगर वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ ऐसे इंटरेस्टिंग मजेदार वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो, आई विल सी अदर एपिसोड।